ये पूरी तरह से असंगठित मंदिर है और यहाँ पे जो संत गोविंद है वो भगवान श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार हुआ था और पूरे महाराष्ट्र में से ऐसे 15 स्पॉट है जहाँ पे इनका आश्रम है और यहाँ पे डोनेशन कहाँ से आता है वहाँ पे कोई भी ट्रस्टी नहीं है। विदाउट ट्रस्टी का ही इंडिया का पहला देवस्थान ऐसा है जहाँ पे विदाउट ट्रस्टी ये सब कामकाज चलता है। बोलिए हर हर महादेव 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 गोविंद। हट्टा गांव है, हट्टा गांव के एक मंदिर है जो कि महादेव जी का मंदिर है। जैसा कि मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया बहुत ही भव्य मतलब लिखे होते हैं नसीब घंटी इस तरह से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना महादेव जी का नाम लेकर के। कैसे हो आई? आई चांगले है ना। हाँ हैप्पी शिवरात्रि। जय शिवरात्रि महाराज। जय माता जी। सबकी मनोकामना पूर्ण करे गणपति बापा मोरिया। गणपति बापा के दर्शन करने के बाद जो गणेश जी के जो पिताजी हैं महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं। महादेव जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं तो बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा छोटू बजरंगबली भगवान के। वाकई में आवाज़ आ रही है जय श्री राम मतलब जो है लगातार कानों में जो है बज रहा है जय श्री राम। ये कौन है? तो मैंने बोला देवा तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो, ये तो अपने बड़े भगवान है। तो मेरे उसने पाठ छपाए वैसे पाठ पे थपा मार दिया। देव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होता है। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। तो अभी जो है हम यहाँ पे गांव में महाराष्ट्र के अंदर ये जो है हट्टा गांव है, हट्टा गांव के एक मंदिर है जो कि महादेव जी का मंदिर है। तो ये है महादेव जी का मंदिर और अभी शिवरात्रि का मौका है। बेल आइकन दबा दिया है मैंने, आप भी दबा दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंदी जी बैठे हैं महाराज। जय हो नंदी जी महाराज की जय हो। देखिए बच्चे बच्चे आए हैं यहाँ पे और थोड़ा धूप है, देखिए पाँव जल रहे हैं लेकिन बोलते हैं ना महादेव जी के दर्शन करने हैं, भगवान से दर्शन करने हैं। तो देखिए और काफ़ी प्राचीन मंदिर लग रहा है, बहुत ही पुराना मंदिर। देखिए जैसा कि मैंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया बहुत ही भव्य मतलब लिखे होते हैं नसीब किस्मत और ऊपर से शिवरात्रि भी है, ठीक है ना। तो आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। एक बार फिर से बेल आइकन आप लोग भी जो है घंटी इस तरह से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना महादेव जी का नाम लेकर के। मंदिर को मैं ऊपर से दिखाना चाहूँगा। देखिए ये पूरा सारे लकड़ी से बना हुआ है, लकड़ी से बहुत ही भव्य और बहुत ही आलिशान देखिए। और दूसरे यहाँ पे सारे भगवान के देखिए श्री रामेश्वर जो है रमेश वसंत राव टाग, श्री नागेश्वर द्वारका जी का भी यहाँ पे पेंटिंग्स बना हुआ है मंदिर में महादेव जी का, भगवान महादेव, श्री विश्वनाथ काशी मतलब जितने भी भारत ज्योतिर्लिंग है सबका यहाँ पे आपको दर्शन मिलेगा। देखिए श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक मंदिर का भी यहाँ पे है, श्री भीमाशंकर भीमा नदी के उद्गम पे जो बना हुआ है, ठीक है। और ये हमारे केदारनाथ जय हो प्रभु श्री केदारनाथ हिमालय के अंदर जो मंदिर है उसका यहाँ पे आई जो है दर्शन कर रहे हैं महादेव जी का, बहुत ही शानदार। और ये जो शिवलिंग बने हुए हैं ताम्र मतलब जो तांबे से बने हुए हैं, यह ओम नमः शिवाय। कैसे हो आई? आई चांगले है ना। हाँ हैप्पी शिवरात्रि। जय शिवरात्रि महाशिवरात्रि। तो महाशिवरात्रि पे जो आई है वो दर्शन करने के लिए आए हैं और ये महादेव जी देखिए आपको दर्शन करवाते हैं। ये देखिए शिव जी का बहुत ही शानदार दर्शन, भव्य मतलब महाशिवलिंग जो बोलते हैं ना, बहुत ही शानदार शिवलिंग बना हुआ है। तो आई ने मुझे यहाँ पे फूल दिए हैं, फूल जो है महादेव जी को चढ़ेंगे। जय हो महादेव महादेव हर शिवरात्रि। महादेव जी सारी इच्छा पूरी करना, ये प्रसाद है महादेव जी का। ओम नमः शिवाय। कर ले रहा, कर ले रहा, कर ले रहा। जी जी यहाँ पे महाशिवरात्रि के जो है दर्शन करने के बाद में जो है अंदर भी नीचे सीढ़ियाँ सिस्टम है, तो सीढ़ियों से उतर के एक और शिवलिंग है, दो शिवलिंग है यहाँ पे। तो उससे पहले मैं आपको जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से कुछ ज्योतिर्लिंग इधर उनके दर्शन है। मैं गुजरात से हूँ तो ये सोमनाथ वेरावाल जो अपने गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद श्री मल्लिकार्जुन श्री शैल मल्लिकार्जुन भगवान का, महाकालेश्वर उज्जैन भी हम दर्शन करके आए थे एक बार, ठीक है। ये ओमकारेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर बोलते हाँ उज्जैन से आगे एमपी में पड़ता है बरोबर, उनके भी साक्षात दर्शन यहाँ पे आपको। श्री घुमेश्वर देवगिरी डॉक्टर राजेशपुर, ये मंदिर देखिए घुमेश्वर महादेव। श्री वैद्यनाथ परली, ये मंदिर परली के अंदर है
पर्ली तो यहाँ पे ही है, पास में ही है। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट आएंगे तो लाइव पर्ली में जाके दर्शन करेंगे। तो ये थे पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। आपको कैसे दर्शन हुए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, जो थोड़ा सीढ़ी से उतरने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ से प्रवेश करेंगे। यहाँ पे देखिए माता जी के दर्शन बहुत ही भव्य। जय माता जी, सबकी मनोकामना पूर्ण करे, ये मैं माता जी से प्रार्थना करता हूँ। और ये देखिए बहुत ही पुराने ज़माने के बना हुआ है सारा, ठीक है। तो यहाँ सीढ़ी से उतरेंगे और यहाँ पे जो है आपको गणपति दादा के दर्शन होंगे। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो गणपति बापा मोरिया। गणपति बापा के दर्शन करने के बाद जो गणेश जी के जो पिताजी हैं शिव जी के हम आपको दर्शन करवाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आज मेरी किस्मत भी देखो ना, सुबह में जल्दी 5-6 बजे उठ गया था और वहाँ पे भी महादेव जी के दर्शन किए थे, और अभी इस गांव में आया हूँ तो यहाँ पे भी महादेव जी के दर्शन हो रहे हैं। महादेव जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे दिल की आवाज़ को सुन रहे हैं, तो जितने भी व्यूवर्स ये वीडियो देख रहे हैं सबका कल्याण करें, बस यही महादेव जी से मैं प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। बाकी ओम नमः शिवाय, हैप्पी शिवरात्रि महादेव जी आपको एडवांस में एक दिन पहले। और ये भी देखें यहाँ पे जो है बहुत शानदार बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है पीतल का वगैरह, बहुत ही लेकिन बना हुआ काफ़ी शानदार है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर, बहुत ही भव्य दर्शन हुए यहाँ पे। और ये शिवलिंग जहाँ पे अभी हमने इस तरफ से दर्शन किए महादेव जी के, ठीक है ना। तो शिवलिंग के और इस भव्य मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े हैं इस तरफ से वापस। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे एक और भगवान जी हैं हमारे, जो भी गणपति दादा हैं, गणेश जी महाराज का जो है बहुत ही शानदार यहाँ पे बना हुआ है मंदिर। देखिए गणपति जी का एक बार फिर से दर्शन करने के बाद जो है हम आ चुके हैं इस तरफ। तो मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही विशाल है। कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना, आपको दर्शन कैसे हुए, ठीक है। और ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, ये सीढ़ियों से रास्ता जाता है लेकिन वहाँ पे ताला लगा हुआ है, नहीं तो ऊपर की ओर आपको वहाँ से दर्शन करवाते हैं ऊपर से भी। और ये देखिए पालकी जैसा कुछ बना हुआ है, ठीक है, विश्राम करने के लिए वगैरह। तो चलिए ये था मंदिर का अंदर का दर्शन का दृश्य, अभी चलते बाहर के और वहाँ से देखते हैं और क्या क्या बना हुआ मंदिर में। जी का दर्शन करने के बाद सामने यहाँ पे एक और मंदिर है, तो मंदिर काफ़ी बने हुए, उधर भी मंदिर है देखिए। और ये था महादेव जी का मंदिर जहाँ भी हमने दर्शन किए, और ये मंदिर के अंदर देखते हैं कौन से भगवान जी विराजमान है। देखिए तो काफ़ी शानदार, काफ़ी प्राचीन और भव्य मंदिर बना हुआ है देखिए। तो ये है बेल आइकन, आप लोग जो है बेल आइकन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। छोटी जी गुड़िया है वो भी दर्शन करने आई है। देखिए अभी हम मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, कौन से भगवान का है। देखिए गुड़िया ने जो है भगवान को दर्शन कर लिए हैं। ये है हमारे सबके चहेते यानी कि हनुमान दादा के दर्शन। हनुमान दादा की जय हो, जय श्री राम, जय हो बजरंगबली भगवान के। तो ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी के साक्षात दर्शन बहुत ही शानदार है ना। तो हनुमान जी के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए यहाँ पे। अरे बोलते हैं कि इतने आवाज़ इतने, मतलब इस जो कान बना हुआ है तो इसमें से आवाज़ आती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आवाज़ इतने है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जो बना हुआ है इसके अंदर से आवाज आती है, तो बोलते जय श्री राम आवाज आती है। वाकई में आवाज आ रही है जय श्री राम, मतलब जो है लगातार कानों में जो है बज रहा है जय श्री राम, जय श्री राम, है ना, जय श्री राम। देखिए ज़्यादा है, एक बार फिर से मतलब जो है सुन रहे हैं। तो ये चमत्कार है, एक तरह का चमत्कार को नमस्कार है मतलब, और जय श्री राम ऐसे मतलब जो है लगातार जो रामधुन है वो रामधुन बजती है यहाँ पे, ठीक है। जय श्री राम प्रभु, हनुमान दादा सभी की मनोकामना पूर्ण करें, जय श्री राम। ये सर अभी बोलते हम भी सुनेंगे। तो मंदिर काफ़ी भव्य और काफ़ी आलीशान बना हुआ है, बहुत ही शानदार, ठीक है। ये हनुमान जी के दर्शन एक बार फिर से आपको, जय श्री राम प्रभु, हनुमान दादा आप सभी का कल्याण करें, जय श्री राम।
मंदिर की जो है कलाकारी जो है आर्ट जो है काफी शानदार बना हुआ है। ये देखिए काफी भव्य काफी आलिशान। तो यहाँ पे हमने दर्शन किए भगवान श्री रामचंद्र जी के परम सेवक मतलब हनुमान दादा के दर्शन करने के बाद एक बार फिर से बेल आइकन। ठीक है अभी एक और मंदिर वहाँ पे भी आपको दर्शन करवाते हैं। ठीक है आप लोग कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो यहाँ पे हनुमान दादा की महादेव जी की सदगुरु नाथाचारी आरती हनुमान चालीसा सब लिखा हुआ है और वहाँ अभी हमने महादेव जी के दर्शन किए और अभी एक और मंदिर रह गया उसके भी दर्शन कर लेते हैं। ये वाला मंदिर है ठीक है चलो इस मंदिर में भी दर्शन कर लेते हैं और आपको भी दर्शन करवाते हैं। वैसे तो बहुत सारे मंदिर उधर भी मंदिर हैं तो काफ़ी मंदिर ही मंदिर है कोई नहीं। गढ़ गढ़ में विराजे देखे यहाँ आई वगैरह जो है पूजा पाठ कर रहे आई। ठीक है तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करके आपको पता है बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय श्री है ना। तो यहाँ पे जो है आई ने जो फूलहार वगैरह अर्पण कर दिया है तो यहाँ पे दर्शन और इस तरफ भी दर्शन भगवान जी के। हनुमान जी ने बेल आइकन दबा दिया है अभी अभी हनुमान जी भगवान से कुछ मांगेंगे देखते हैं आज क्या मांगते हैं भगवान से। हनुमान जी सच सच बताना आपने भगवान से क्या मांगा। भगवान से कुछ बाबा अपना तबियत अच्छी रख दे काम अच्छा चला रही मतलब सीधे आदमी है हनुमान जी मतलब। कई सारे लोग है ना मंदिर में जाते हैं 10 रुपए चढ़ाते हैं बोलते मेरे को लाखों दे दो भगवान करोड़ों दे दो है ना। लेकिन हनुमान जी न कुछ चढ़ाते हैं न कुछ मांगते हैं भगवान इनके दिल से सुनता है क्योंकि ये किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना तो खेती बाड़ी करते हैं मेहनत करते हैं। ठीक है ना चलिए महाराज जी की जय हो। आज के दर्शन आपको कैसे मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ नए दर्शन नए भगवान जी के साथ। भगवान जी तो वही रहेंगे लेकिन जगह थोड़ा स्थान चेंज रहेगा उस हिसाब से। ठीक है जय श्री राम ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। और सामने जो देखिए ये जो एंट्री गेट था वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जो है आ चुके हैं। मंदिर में मुझे पेंटिंग मतलब देखिए काफ़ी मतलब एकदम उस जमाने में मतलब बनाई हुई देखिए 3D एकदम भगवान रामचंद्र जी जो है लक्ष्मण जी सीता मैया और हनुमान दादा के साथ में जो है अपना भव्य जो दरबार लगाए हुए है। ठीक है फिर उसे आगे ले चलता हूँ देखिए इधर जो है धर्म संस्था पथन आथर्य संभवामी युगे युगे भगवान श्री कृष्ण जी जो है श्रीमद् भगवद गीता का जो है उपदेश दे रही है। देखिए भगवान श्री कृष्ण है गौ माता का दूध पीते हुए जय हो कृष्ण कन्हैया लाल की। और इधर जो है ये कौन से भगवान हैं ये नारायण नारायण यानी कि वो ये प्रहलाद हाँ प्रहलाद जो होलिका में बैठ गए थे ना वो ये गणपति दादा है गणेश जी महाराज के दर्शन। इधर भगवान श्री कृष्ण के एक बार फिर से दर्शन वो जो कालिया नाग का जो हरण किया था नाग के ऊपर गेंद चली गई थी नदी में वो लेने गए थे तो नाग के ऊपर ऊपर आ गए थे वापस। भगवान श्री कृष्ण की तो लीला ही अपरंपार है देखिए क्या शानदार लीला की थी भगवान श्री कृष्ण ने। ठीक है मतलब एक बार ये पेंटिंग है ऐसा लग रहा है सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हो मतलब एकदम ऐसा 3D इफेक्ट आ रहा है। और यहाँ पे जो है नरसिंह अवतार भगवान श्री नरसिंह जी ने जो है वो नरसिंह अवतार के बारे में हनुमान दादा जो है यहाँ पे ठीक है बहुत ही शानदार जो उसमें हनुमान दादा बहुत ही मस्त लग रहे हैं। और भगवान महादेवों के देव महादेव जी जो है अपने विराट रूप में देखे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे पूरा जो श्रीमद् भगवद गीता का जो है पूरा यहाँ पे जो है संस्कृत में जो है वर्णन किया गया है। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है काफ़ी अच्छे दर्शन हुए यहाँ पे एक मित्र भी मिल गया जो हमारे हनुमान जी हैं उनके भी मित्र है ये है ना चट्टे साहब है ना चट्टे साहब है मतलब जो इस गाँव से ये प्रॉपर इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहिए मंदिर कितना पुराना है ये मंदिर बहुत पुराना है। जी जी मतलब अंदाजित कितना पुराना है समथिंग मंदिर पहले बहुत पुराना है लेकिन वंदे वाला है 85 बिल्कुल बिल्कुल 85 का बना हुआ है बिल्कुल बिल्कुल आता है बिल्कुल बहुत है। और भगवान भगवान कृष्ण का अवतार है अच्छा अच्छा ओमकारनाथ महाराज पहले मूर्ति देखी ना ओमकारनाथ महाराज नाथ महाराज भगवान जी जी अच्छी बिल्कुल। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मंदिर के बारे में सर ने बताया कि मंदिर इतना पुराना है वगैरह। ठीक है तो काफ़ी अच्छा मंदिर है आप लोग कभी भी आइएगा महाराष्ट्र में यहाँ पे तो हट्टा में जरूर आइएगा हट्टा में दर्शन करने के लिए। ठीक है ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। तो यहाँ पे पूरा ग्रुप जो है दर्शन करने के लिए आए।
कुछ बातें अपने बचपन से मतलब से रिपी अभी चाहे है ना, यहाँ प्रसाद में जो है चाय, अभी जो चाय का प्रसाद चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे जो हट्टे दादा है इन्होंने बताया कि भी इनके बचपन से जुड़े काफी सारे, मतलब यहाँ पे क्या था, एक बार बताइए क्या था? छोटा मंदिर था, हाँ बहुत छोटा मंदिर था, ये महादेव का शंकर जी का मंदिर है। अच्छा था, और कुछ न होता, अपना जो देव जो भगवान ओमकारनाथ भगवान अवतार था, अवतार था, हाँ कृष्ण का अवतार है, कृष्ण का हाँ से बहुत बड़ा है, पूरे गांव में फिरते थे ओमकारनाथ महाराज, ओमकारनाथ महाराज, हाँ ओमकारनाथ महाराज जी जी जी, हाँ। तो दादा ने बहुत अच्छी जानकारी दी, श्री देव ओंकारनाथ भगवान यांचिया कुपिन हटकेश्वर संस्थान जीर्णोद्रा रित जाले आए, तो काफी सारे भाविक भक्तगण वगैरह यहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए आए हुए हैं, कई सारे हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य मंदिर है, अभी इसमें एक दो मंदिर ये वाले हैं जो अभी हमने चाय का प्रसाद लिया, अभी आपको ये मंदिर के अभी दर्शन करवाएंगे अंदर से, ठीक है। पंडरपुर से संघ आया, संघ भी अच्छा अच्छा बड़ो बड़ मंदिर है ना वो कारला, कारला कारला म्हणजे आपला बोर्ड बहुत बड़ा इनके अवतार है, ओमकारनाथ महाराज का अवतार है, अवतार म्हणजे जन्म व्हायला है पुराना जो है। यहाँ पे कुआ बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर से ढका हुआ है, पानी काफी ऊपर तक है कुएं में, और यहाँ पे अभी आपको दर्शन करवाते हैं इस मंदिर के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, छोटी सी गुड़िया है दर्शन करने के लिए आई है, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं, और ये जो है ओमकारेश्वर महाराज जी के जो है गद्दी यहाँ पे बने हुए हैं, है ना, है ना। तो एक बार आपको दर्शन करवा लेते हैं, तो ये जो है महाराज है ओमकारेश्वर जी, सभी लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। अभी जो दादा है वो आपको प्रॉपर जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में, क्या कहेंगे दादा? तो ओमकारनाथ भगवान जी ऐसे ही थे कि वो अपनी गद्दी रहती ना, उस हमको 10,000 मंगे 20,000 मंगे, हाथ गद्दी के हाथ के नीचे डाल के वो उतने जुमने तो जितने पैसे मंगे वो उतने निकालते थे। और इनका भरोसा जो नरहरी महाराज है ना, वो उनके साथ में आंध्रा के आगे गए थे, लावड़ा तांडा कोटा तांडा से, तो रात के 12-1 बजे थे, तो हम जा रहे थे तो देव सामने से 3 बार आके चले गए पीछे, तो देव मेरे को बोले ये कौन है, तो मैंने बोला देवा तुम तो मुझे गलत समझ रहे हो, ये तो अपने बड़े भगवान है, तो मेरे उसने पाठ छपाए वैसे पाठ पे छपा दिया, देव के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होता है। ये अंगारा जो अंगारा है ना, तो एक भाई को बच्चा नहीं हो रहा था, अच्छा अच्छा, तो उन्होंने वो भाई को अंगारा दे के उसको बोले इसका नाम नरहरी रख दे, तो उन्होंने उसका नाम नरहरी रख दिया, नरहरी रख दिया, हाँ प्रसाद से, तो अंगारा से ही बच्चा हो जाता है महाराज। अच्छा अच्छा, अंगारे से बच्चा हो जाता है, काफी अच्छा चमत्कार है, चमत्कार है जी जी, मंदिर तो बहुत पुराना है ये जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले पुजारी जी रहते थे ना यहाँ पे जी 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 जी, तो वो पूजा करते थे ना हटकेश्वर की जी, तो बहुत बढ़िया नाग आता था बिल्कुल, तो वो नाग को बोलते थे ये तेरा मालिक है, अच्छा अच्छा, तो वो नाग ऐसा पेड़ को फना मार के वो बाहर चला जाता था, बाहर अच्छा, जा बोले बिल्कुल बिल्कुल, तो नाग मतलब नाग आता था, बहुत जागृत देवस्थान है ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ओमकारनाथ बोले तो किसी को पता नहीं बाबा जी, ये साक्षात स्वयं कृष्ण का अवतार है, अच्छा अच्छा विष्णु भगवान जी 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 बिल्कुल। एक बार बोलेंगे ओम नाग बाबा की जय, ओमकार जय जय ओमकार, बोलो पार्वती हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम तो काफी सारे संघ वगैरह जो है आप देख पा रहे होंगे आए हुए हैं दूर दूर से दर्शन करके, कैसे है दादा तबीयत वगैरह कैसे है? अच्छा है ना, बस आशीर्वाद।
तो ये पूरे संघ वगैरह आए दर्शन करने के लिए बार बार से काफी दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है ना। तो महिमा है भैया देखिए, तो अभी जो दादा ने बताया बहुत अच्छी जानकारी। तो चलिए यहाँ पे जो है हनुमान जी के दर्शन, ठीक है, और हनुमान जी के दर्शन के बाद चलते हैं बाहर की ओर। जी जी गुजरात गुजरात जी जी पूरे पूरे हाँ पूरा मंदिर से। कौन सा ये कौन सा मीडियम है जी? मीडियम है क्या? हाँ मीडियम है, एसजी न्यूज, एसजी न्यूज जी जी। आप कहाँ से? आप कहाँ से? आपका अच्छा अच्छा बिल्कुल 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 न्यूज में है ना, सोलापुर जिले से। अच्छा सोलापुर, सोलापुर से बिल्कुल। तो सर वगैरह जो है सोलापुर से पूरा ग्रुप आया, पूरी टीम आई है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ही मालिक खर्चा करता है। अच्छा अच्छा एक ही मालिक खर्चा। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल। कल शिवरात्रि, कल कहाँ दर्शन करेंगे? कल मोहरगढ़ पे है ना, कल मोहर। चलिए आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, महादेव महादेव महादेव। तो सभी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप पहुंचे हैं यहाँ पे, माता वैष्णो देवी जी का जो है मंदिर बना हुआ है। तो चलिए लेके चलते हैं मंदिर के अंदर। नसीब भाई जी तो ये बना हुआ है माता वैष्णो देवी जी का मंदिर। जय वैष्णो देवी माता की। यहाँ पे बहुत ही शानदार दर्शन है वैष्णो देवी माता जी के। और अभी आरती का समय चल रहा है, तो यहाँ पे आरती चल रही है। जो मंदिर में हमने दर्शन किए, मंदिर के बारे में जो सर हमें मिले, सर कुछ मीडिया से है और बॉम्बे से है, तो सर इस मंदिर के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपने बताया? इस मंदिर में एक तो कोई ट्रस्टी नहीं है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरी तरह से असंगठित मंदिर है, और यहाँ पे जो संत गोविंद है वो भगवान श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार हुआ था, और पूरे महाराष्ट्र में से ऐसे 15 स्पॉट है जहाँ पे इनका आश्रम है। और यहाँ पे डोनेशन कहाँ से आता है, वहाँ पे कोई भी ट्रस्टी नहीं है। विदाउट ट्रस्टी का इंडिया का पहला देवस्थान ऐसा है जहाँ पे विदाउट ट्रस्टी ये सब कामकाज चलता है। विदाउट ट्रस्टी सर, यस यस, बहुत बड़े पैमाने पे। आप यहाँ से त्रिधारा जाएंगे, यहाँ से कारला जाएंगे, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े आपको कैंपस दिखेंगे। वहाँ पे जो अन्नदान हो रहा है, और भगवान का सबसे बड़ा सिंबल एक है, यहाँ पे अन्नदान बहुत बड़े पैमाने पे होता है। अन्नदान बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और वो कहीं पे आपको स्लीप नहीं मिलेगी, कहीं से कहाँ पे कुछ। और जितने भी भाविक आते हैं, जितने भी भक्तगण आते हैं, वो खुद स्वयं श्रुति से आते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार चले, या श्रद्धा अनुसार आते हैं, अपनी ऊर्जा से आते हैं। बाकी मैंने देखा आज तक कई सारे मंदिरों में गया हूँ, मतलब लाइक दिस उत्तराखंड वगैरह, तो वहाँ पे तो स्लिप फाड़ के तैयारी बैठे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई स्लिप नहीं है, किसी को कुछ देना नहीं है। अभी चाय की व्यवस्था थी, चाय की प्रसाद लिया हमने, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी, सर ने बताया बिल्कुल वैसा ही है कि अभी यहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है। जी जी जी, सेवा भाव से, पूरे भक्ति भाव से होता है, और पूरे भक्ति भाव से लोग यहाँ पे समर्पित है। जी जी। और एक चीज और बताइए सर आपने, की भगवान श्री कृष्ण के अवतार जी ना, अवतार कहिए या भगवान श्री कृष्ण का उनको साक्षात्कार हुआ था ये कहिए। लेकिन एक चीज है, जो भी भाविक यहाँ पे पहली बार आए हैं, तो जब पहली बार किसी के टेम्पो में बैठ के आए हैं या किसी के साथ में आए हैं,
वो आज उनकी कृपा से, जैसे हम राजस्थान में हमारे श्याम बाबा है, श्याम जी बाबा है, तो जो इनकी कृपा से वो लोगों के पास आज खुद की गाड़ियां है। अच्छा अच्छा। और वो लोग 100-100, 200-200 लोगों को लेके आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन दिलाने के लिए। 100-200 लोगों को लेके आ रहे हैं। अब ये जो हमारा गुट है, ये 150 लोगों का गुट है। बिल्कुल 150 लोगों का, 150 लोगों का ग्रुप है। हाँ जो की बिल्कुल। और जो स्वयं पूर्ति से आते हैं, स्वयं पूर्ति से अन्नदान के लिए पैसा देते हैं। और आप यहाँ पे बाकी की जो चीजें है त्रिधारे में भी जाके दे सकते हैं। और सबसे बड़ा जो भगवान का जो समाधि स्थल है वो कारला में है। कारला में उसद में है, वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, फिर आपको खुद को अनुभूति आ जाएगी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी मिली आज हमें भी, और वीडियो के माध्यम से आपको भी घर बैठे या देश दुनिया में जहाँ पे भी आप बैठे हो, तो इस मंदिर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। आप लोग कभी भी यहाँ पे आए हट्टा गांव के अंदर या महाराष्ट्र में आए, तो एक बार इस मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य आइए। एक बार हम सब मिलकर के, शिवरात्रि है तो एक बार भगवान महादेव जी का जयकारा लगाएंगे, बोलिए हर हर महादेव, महादेव महादेव। तो एक बार हमारे जो महिला मंडल से है ग्रुप में, वो एक बार गोविंदा का नारा लगाएंगे, गोविंदा गोविंदा। ये बच्चा पार्टी मारे रहे थे, बोले मुझे भी, चले एक बार फिर से, ठीक है बेटा, गोविंदा 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 गोविंदा।